मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर जी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के जोधपुर के शाखा के बैनर तले चलने वाला निरंतर प्रोग्राम जिसका नाम है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस। हमारे हिंदी भाषा में इसको गुरु सियाग सिद्ध योग ध्यान और अनुभव कह सकते हैं। इसका हम आज 213वां भाग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से और गुरुदेव की कृपा से। जैसा गुरुदेव कहना है कि अपना सिद्ध योग मिशन विश्व दर्शन होगा, ये दर्शन विश्व दर्शन होगा और इसमें अपने नाना प्रकार के प्रयास भी हो रहे हैं। हम अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कई लोग अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करना भी चाहिए। शिष्य का काम है, अपने गुरु का आदेश है कि भाई देखो मैंने जो प्रसाद आपको दिया है, मेरे गुरु ने जो मुझे दिया है, मैंने आपको दिया है, आप इसको पूरे जग में बांटो, संसार में बांटो। ये हमारी अकेले की ठेकेदारी नहीं है, आप लोग भी इसका जिम्मा उठाइए और बांटिए, गुरुदेव का प्रचार कीजिए। हम तो डाकिया हैं, हम तो जिंदा अखबार हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इस गुरु मिशन का सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सिद्ध योग एक अनमोल रत्न है, अनमोल धन है। जो इससे जुड़ता है वही समझ पाता है कि सिद्ध योग क्या है, गुरुदेव सियाग क्या है। जब तक कोई जुड़ता नहीं तब तक इसका अनुभव नहीं कर पाता साधक, ना उसको कुछ होता है। सिद्धियोग लोग कहते हैं सिद्धियों के क्यों किया जाए, ये ध्यान क्यों किया जाए, गुरुदेव का ध्यान क्यों किया जाए, गुरुदेव से प्रार्थना क्यों की जाए। तो हम यही कहते हैं जितने भी साधक नए आते हैं कि सिद्धियोग एक ऐसी अनमोल चीज है जिसमें न तो आपको एक पैसे का अनुदान देना होता है, न इसमें पैसे का लेना देना है। गुरुदेव का साफ कहना है कि मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ, इसमें पैसे का लेना देना नहीं। भाई लोहा सोना दो लोहा लेने वाला कार्यक्रम मैं नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि सिद्धियों क्यों न किया जाए। लोग कहते हैं क्यों करें, तो मैं कहता हूं क्यों न किया जाए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, शारीरिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, स्पिरिचुअल है, जो भी है, मानसिक है, तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई मैं 2 शब्द का गुरु मंत्र देता हूं, जो कि राधा और कृष्ण का मंत्र है, उसमें सारे गुरुओं की कमाई है। उस मंत्र से के जाप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसमें मात्र 15 मिनट का सुबह ध्यान करना होता है और 15 मिनट का शाम को ध्यान करना होता है, खाली पेट। सारी विधि गुरुदेव अपने स्पीच में बताते रहते हैं और हम भी बताते हैं जितने भी नए साधक आते हैं। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले गुरुदेव के चरणों में मैं एक वंदना प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने, और उसके बाद जितने जो भी नए गुरु भाई बहन इसमें जुड़े हैं हम उनको बुलाएंगे और वो अपना अनुभव साझा करेंगे, अपनी अनुभूतियां साझा करेंगे, जिज्ञासा साझा करेंगे, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं, समस्या भी रख सकते हैं प्लेटफॉर्म को। तो मैं आपसे आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा गुरु वंदना को आनंद लीजिए, मैं सुना रहा हूँ आप लोगों के सामने। छोटमल जी, गुरु भाई जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। छोटमल भाई जी, आपकी आपका एक वो था कि मतलब अजब सा नशा है गजब की कुमारी, वो भजन सुना है, कोई नया सुना है?
बिल्कुल सुनाइए गुरु भाई, सुनाइए उसी को सुनाए, उसके लिए दीवाने हो गए सब। अच्छा अच्छा वो एक यूं मानिए कि बार बार वो चीज जो दो शब्द है वो सबको जो है अंदर तक जो है हिल गए उससे, उन शब्दों से। नहीं उसमें जिसने भी लिखा है ना गुरु भाई जी, वो गजब का अनमोल शब्द है उसमें, और सब गुरुदेव के दर्शन पे एकदम फिट बैठता है, एकदम एक एक शब्द फिट बैठता है। गुरुदेव गुरुदेव ने फिर कंठ भी तो आपको दिया है ना गुरु भाई तो जो भी पता नहीं, देखिए गुरु भाई जी मैं तो अब बार बार बोलता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे जिंदा रखा है तो क्यों रखा है, अब समझ में आता है मुझे। चलिए शुरू करिए गुरु भाई, बहुत बहुत। तो वही वंदना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ पब्लिक डिमांड के अनुसार ठीक है, जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव अपने शिष्य को जब मंत्र देते हैं तो उस मंत्र को जब शिष्य जपता है, साधक जपता है, और उस जपने के बाद जो परिवर्तन आता है वो साधक गुरुदेव से गुरुदेव के सामने प्रार्थना करता है। उस शब्दों किस शब्द से शब्दों में प्रार्थना कर रहा है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अजब सान सा है गजब की खुमारी, अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। सिमरन किया जब से मदहोश हूँ मैं, सिमरन किया जब से मदहोश हूँ मैं, लगता है जैसे अमृत पिया है, लगता है जैसे अमृत पिया है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। एक ऐसा है जादू समझ में न आए, एक ऐसा है जादू समझ में न आए, पहली दफा है ये क्या हो रहा है, नजर आ रहे हो मुझको चारों तरफ तुम, नजर आ रहे हो मुझको चारों तरफ तुम, गुरुदेव आखिर मुझे क्या हुआ है, गुरुदेव आखिर मुझे क्या हुआ है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। अभी तक सुना था हमें ना पता था, अभी तक सुना था हमें ना पता था, नशा नाम का इस कदर हो रहा है, संसार भर की खुशियां भी फीकी, संसार भर की खुशियां भी फीकी, असर इस कदर है मजा रहा है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। बदल डाली तुमने तो किस्मत हमारी, बदल डाली तुमने तो किस्मत हमारी, बंदा कहाँ था कहाँ जा रहा है, असर बढ़े रहा है जपो जब से निस दिन, असर बढ़े रहा है
जपो जप से निस दिन माध्यम माध्यम बढ़ा जा रहा है। सिमरन किया जब से मदहोश हूँ मैं, लगता है जैसे अमृत पिया है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। न कोई फिकर है न चिंता कसम से, न कोई फिकर है न चिंता कसम से, मुझे लती कैसा लगा जा रहा है। गिरू मैं अगर लड़खड़ा कर कहीं पर, गिरू मैं अगर लड़खड़ा कर कहीं पर, पकड़ कहना भगवान किधर जा रहा है, पकड़ कहना भगवान किधर जा रहा है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। जय कल्कि, जय कल्कि अवतार, जय गुरुदेव, जय दादा। आज का प्रोग्राम मैं, अगर कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। करीब 27 लोग अभी भी प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा ये गायब हो गया। हाँ गड़बड़ हो गया जी। मैं अनुरोध करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन अगर मंच को शेयर करना चाहते तो स्वागत है आपका। किसी का कोई भी प्रश्न भी रख सकते हैं, कोई समस्या अगर हो तो वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक दूसरी गुरु वंदना प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने। मेरा तो क्या, मैं तो 10-20 सुनाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मनोज कुमार साहू जी आपका स्वागत है, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जो आप बोले थे ना मेरे जी, को जी, बिल्कुल। आपका स्वागत है गुरु भाई जी। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई जी। जी जय गुरुदेव, आपको आपको अभी क्या इतना ही दिखाई देगा जी, कोई दिक्कत है। गुरु पूर्णिमा के बाद अगस्त जून जुलाई 26 या 27 में जुरा में वो दिन में इतना रोया आप अनलिमिट रोया, फिर जुड़ गया मेरे को जो गुरु भाई जोड़ा वो था गुजराती। मैं क्या है लिख सकता ओनली इंग्लिश, हिंदी ओडिया मैं क्या ओडिशा का हूँ, अच्छा। ओडिया भी मैं भी गुजराती गुजरात में हूँ, 35 साल का ऊपर हो गया मेरे को भाषा 3-4 आता लिखना, मगर मैं लिख नहीं पाता हूँ। अभी तो ये हो गया है, इसी साल आप मेरे को सुपर वीडियो देखेंगे। उसके बाद गुरु जी के जुड़ने के बाद खाना मेरा 3 गुना हो गया, कितना 3 गुना। और आस्ते आस्ते ऐसा हुआ मैं किसी से डॉक्टर नहीं हूँ, किसी से anyone person। और प्रचार इतना करता हूँ, अभी थोड़ा दिन पहले मेरा मैसेंजर ब्लॉक हो गया था। मैं क्या है घर से बाहर नहीं जाता हूँ, इसलिए मैसेंजर में प्रचार करता हूँ। जो गुरुदेव बोले मेरे को अपना गुरु भाई भी बोले 2-3 कि आप हो ऐसा कर आप पहले ठीक हो जाओ। मैं बोला उनको हाँ बोल दिया, मगर वो तो जाने गुरु जी। मैं ये सोच रहा हूँ मैं जब तक ठीक होगा तब तक कितना गुरु भाई जुड़े,
आपको मैं सुबह फोटो भी भेजा था, वो विदेश का था, कौन सा कंट्री का, उसको मैं कल भूल से हिंदी में लिख दिया, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। तो वो मेरे को कैसा फोटो भेजा था, आप तो देखे ना, नमस्ते का फोटो देखा भेजा था, देखे कि नहीं आप फोटो? नहीं अभी देखा नहीं भाई, आज कुछ काम ज्यादा हो गया था, अभी मैं सेशन के बाद ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मेरे में क्या है, स्क्रीन सेट होता नहीं और एक ही हाथ में स्क्रीन सेट कर नहीं पाता हूँ। अभी मैं विदेश में एक औरत है फिलिपाइन का, वो पादरी है, वो मेरे को एक दिन रात में अमीन बोल कर लिखा, मैं उसको बोला अब तक सह नहीं है, बोलने से 11 की कितना होगा, 11 कितना होगा, उसके बाद मैंने देखा था आपने से 2.5 घंटा ज्यादा है, वो बोला कि मेरा भाई या कोई गुजर गया ऐसा ऐसा है, मेरा प्रॉब्लम है, बोला कुछ चिंता मत करो, मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं गुरु जी को बोला जो हुआ हो मैं पूछा नहीं। और एक बार मेरा पत्नी यानी कि अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो तो याद नहीं आता है, कर्मप्राणी, उसका मोबाइल पहले से खराब था, मैं उसको इतना ही बोला गुरु जी का डीपी रख दे, गारंटी देता हूँ 24 घंटा गारंटी चलेगा, वो 24 घंटा के 28 घंटा चला। फिर बोला मेरे को मैं कुछ मालूम नहीं, तेरे को मेरा घर से मेरा जो बच्चा आया और मेरा करना पड़ी, वो लोग को मैं एक एक दिन सुनाया ध्यान कराया, मगर वो लोग अभी जुड़ते नहीं, मैं बोला तुम्हारा मर्जी जैसा करते करो, मैं उन लोग को सीधा बोल दिया, अभी भी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी से एनीवन कोई भी आएगा। अभी मैं आयुर्वेदिक दवाखाना गया था, डॉक्टर को पास पर्ची जमा करना पड़ता है, पर्ची जमा किया, फिर वो बोला कि क्या करने का, अभी मैं बोला देख लो, बोला पर्ची आ रहा है, मैं बोला जब तक पर्ची आएगा अभी खाली बैठा है देख ले, वो बोला बैठा, फिर मैं उसके सामने बैठा, वो मेरे को तुरंत बोलेगा 2-3 मिनट में, उसको बोला ऐसा ऐसा है, उसको बोला इंग्लिश बोला गुजराती बोला हिंदी बोलेगा, मेरे को 3 भाषा आता है, मैं बोला मेरे आंख से पानी निकलेगा डरने का नहीं, और गुरुदेव का जो छोटा वाला कार आता है वो दिया हिंदी वाला, वो बोले हाँ हाँ ठीक है, और वो मेरे को चेक किया, ऐसा बोला ना जे बाहर बैठो अंदर ही बैठो बोला, वो भी चाहेगा ना बोल सकता है अंदर ही बैठो, क्यों बाहर नहीं भेजा, ये अपना गुरुदेव का शक्ति है। हाँ, वही मैं भी वही बोलना चाहता, हाँ वो चाहे तो बोल सकता है बाहर बैठो 2 मीटर दूर ज्यादा नहीं, मेरे को 1.5 मीटर दूर में अंदर ही बिठा, अंदर ही आप बैठो, क्यों ऐसा बोला मेरे को, तब फीलिंग मेरे को एक एक पल में गुरुदेव का अनुभूति होता है, जैसे गुरुदेव का फोटो रहता है उसका आजू बाजू में चिट्ठी घूमता है तो मालूम पड़ जाएगा गुरुदेव का है कुछ, मेरे को पल पल होता है, मतलब मैंने आप भी ये ज्ञान दे, गुंगा जो गुड़ खाता है ना वही ज्ञान है, जो महसूस करेगा जो फीलिंग करेगा वही करेगा, मैं इतना बोल नहीं सकता था, मेरे को आंसू आता था, मगर मैं कैसे बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मेरे को मालूम नहीं, अभी आंसू आता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी, सबको प्रणाम, सबको जय गुरुदेव, आप उस नाम जप को निरंतर जपते रहिए, सुबह शाम ध्यान करते रहिए, जो भी समस्या है अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बहुत सारे गुरु भाई बहनों की समस्या ठीक हुई है, आपकी भी हो जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ गुरु भाई जी कि वो शुभ दिन बताइए आप गुरुदेव से कैसे जुड़े, कोई समस्या पर्सनली थी, शारीरिक बीमारी थी, क्या थी, उसका थोड़ा वर्णन कीजिए। मेरा क्या है, मैसेंजर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मैं कभी भी
भगवान का फोटो या अंग रखता था। उसी हिसाब से मैसेंजर में गुरु भाई मेरे को बोला ये हालो हाय, मैं बोला हालो हाय। अच्छा अच्छा। बोला ये सिद्धि योग है, मैं बोला मैं पैरालिसिस पेशेंट हूँ, मैं इंग्लिश में लिखा अभी, बोला कैसे कैसे मालूम हो गया। वो बोला ठीक है, मैं बोला ठीक है, उसको मैं कितना ये वो सवाल नहीं किया, फिर उसको फोन नंबर दिया, मैं तुरंत तुरंत उसको फोन किया, क्योंकि ये सब कितना चीज लिखने से नहीं होता है, बोलने से होता है। जी बिल्कुल। मतलब लिखने से बोल सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा, सब कुछ सब आदमी सब काम में होशियार नहीं होता है, मालूम है ना। मैं ज्यादा करके इंग्लिश यूज करता हूँ, इंग्लिश से खाली ए जानता हूँ, जेड तक जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं बातचीत किया और बोला ऐसा ऐसा करो, गूगल मीट करो, मैं कर दिया। मैं इसको कितना नहीं किया, क्यों गुरु जी मेरा हाथ पकड़ना चाहते है मेरे को। ये जो लॉकडाउन हुआ ना पहले, जी जी, कब हुआ लॉकडाउन इंडिया में? 2020 मार्च में। हाँ, मेरे को मार्च 27 में अटैक आया, 28 में मैं था जामनगर, मालूम ना रिफाइनरी फैक्ट्री है जामनगर गुजरात में। जी जी। वो डॉक्टर मेरे को बोला आपको 80% चांस है, 99 फेल। मैं बोला उसको गुजराती में इधर आओ, वो आया नहीं, फिर जबरदस्ती बोला, मैं उसको इंग्लिश में बोला, वो उसके साथ तो तीन नौ थे, मैं उसको इंग्लिश में बोला तेरे हाथ में कुछ नहीं, ओनली गार्ड। तभी मैं जुड़ा नहीं था इसमें, फिर भी बोला वो लोग क्या बोले ये पागल है। मैं बोला आई एम नॉट मेड, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, अच्छा हो जाएगा ना, उसका पास जाके उसके साथ झगड़ा करूंगा। अभी तू लिखा था एक ही पेशेंट, ये कैसे पॉसिबल हुआ, समझे ना। ऐसा है वो मेरे को गुरुदेव जी कब से पकड़ना चाहते, मगर मैं पकड़ में नहीं आया, मैसेजर में डायरेक्ट, मैं उसको कुछ लफड़ा नहीं किया, ये डायरेक्ट जुड़ गया। चलिए तो अभी तो गुरुदेव ने आपको पकड़ लिया ना, अब थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ नहीं, अभी मेरे घर में भी कभी कभी लोग घुसा करके बोलते, मैं बोला मेरे को अकेला छोड़, देखो ट्राई कर। मैं बोलता हूँ मेरा बाप मेरे को भी नहीं दिया है जो हिस्सा होता है, मेरा बाप भी बोलेगा ना संपत्ति नहीं दूंगा तो वो छोड़ने के तैयार है। गुरुदेव को भी नहीं छोड़ा, गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला, मैं इतना गुस्सा करता हूँ ना गुरुदेव बाबा ने उल्टा पुल्टा बोलते ना, वो बोले कि आप गुस्सा करते हो, क्योंकि घर वाले को गुस्सा करना पड़ता है। आप गुरुभाई जी, मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा आपके परिवार से, अगर आपका परिवार चाहे अगल बगल सुन रहा है मेरी बात को, तो मैं पर्सनली प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग सिद्ध योग से जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक गुरुदेव का मतलब वो शक्ति के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। गुरुदेव क्या चीज है, वो तिलक जुड़ने में राजी नहीं है। मैं अभी रूम में बंद करके मैं अभी आपसे बात करता हूँ, वो लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग बोलते आप पहले ठीक हो तो बाद में दे देंगे। मैं उन लोग को बोलता हूँ बाद में तीन चार दिन लाइन में रहोगे, फिर बोलेंगे पापा मेरा नंबर नहीं आएगा, ये गारंटी बोलता हूँ वो लोग को। मैं वो लोग को बोल देता हूँ, तुम लोग बोलते हो ना तीन चार दिन लगेगा तुम लोग को लाइन में लग के आ गए पापा मेरा ये नहीं, शरीर में आना पड़ेगा, तब बोलते मेरा सब और लोग जुटना नहीं चाहते। क्यों आपने का गुरुदेव बोलते जबरदस्ती का ज्ञान नहीं है, जो प्यार से दोगे वो लेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, समझे ना। आप भी भले मेरे से पुराना है, किसको प्यार से बोलो वो समझ है तो ठीक है, उसका पीछे पड़ोगे तो वो क्या बोलेगा। गुरुभाई कैमरा सामने, अपना चेहरा कैमरे के सामने है, ऐसे ऐसे बोलिए आप जी, ऐसे बोलिए। हाँ ऐसे बोलिए। अभी क्या है, अभी क्या है, हम लोग अभी जबरदस्ती उसको बोलेंगे तो वो क्या सोचेगा, इसको कमीशन है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा सब मत करो, क्योंकि गुरुदेव से बहुत गुरु ऐसा हो गया ना, उसी हिसाब से वो लोग सोचते
ये चैनल बिजनेस मैं प्यार से बोलता मैं तुम्हारा मर्जी, और मैं दो तीन अपना साधक को पूछा क्या करने का, और बोले कि आप फेंक दो। ऐसा हुआ थोड़ा दिन पहले, सुबह सुबह कोई आदमी घूमने जा रहा था, नाश्ता किया, आपको बीमार हो गया था, उसको भी बीमार था, नाश्ता में से वो पापलेट लेके ठीक हो गया। इसलिए मैं अपना गुरु भाई गुरु बहन को पूछा क्या करे, अपना कुछ नहीं कर देगा, मैं अभी दवाखाना जाता हूँ, कभी कभी पाम्पलेट देता हूँ, वो लोग को फेंकते नहीं, आराम से रख देते, नहीं चाहिए तो वो लोग फेंकते नहीं। इतना पावर है अपने गुरुदेव के, गुरुदेव मैं रखते हूँ, अभी अभी आपने का दूसरा एक चालू हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको जितना हो सके सुबह मिलूंगा और कभी कभी आया करूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर जुड़ा कीजिए सेशन में गुरु भाई जी। आपको गुरुदेव से जुड़े हुए कितने दिन हो रहे हैं गुरु भाई जी? ये अपना गुरु पूर्णिमा कब हुआ? गुरु पूर्णिमा हाँ जुलाई में, हाँ जुलाई एंड में जुड़ा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जुलाई से जुड़ा, जुलाई 26-27 में जुड़ा हूँ, तब से मैं एक भी मिस नहीं किया हूँ। अभी दवा करना जाता हूँ ना सुबह सुबह, आपने का सेशन लेकर चलता है ना इधर, उसमें जुड़ा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए मैं टाइम से नहीं आता हूँ, मगर हो सके तो आपका सुबह वाला में आ सकता हूँ मैं। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मंच पे, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर 5 महीने हुआ है मेरे से पुराना वाला गुरु भाई से बात होता है, वो बोलते है कि आपसे बात करने से कितना साल पुराना है बोलते है, वो मैं खुद ही नहीं समझ रहा हूँ क्यों मैं पुराना हूँ, कैसे मेरे को गुरुदेव कब से पकड़ा है उधर से, मगर अभी रियलिटी में पकड़े। गुरुदेव दादा गुरुदेव, नहीं कभी कभी टाइम होगा तो आऊंगा, अपना स्टेशन दूसरा है। जय गुरुदेव जी, नमस्ते सबको, सब गुरु अभी जो सुन रहे हैं उनको जय गुरुदेव, जो नहीं सुन रहे बात सुन रहे उनको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव भाई जी। गुरु भाई जी थोड़ा सा मंच पे आप बने रहिए, जाइएगा मत, मैं आपको और गुरु भाइयों से अपनी राय, उनकी राय आपके सामने प्रस्तुत करवाना चाहता हूँ। मैं मंच पे बहुत सारे गुरु भाइयों का अनुरोध करूंगा कि मनोज कुमार जी साहू को अपनी प्रति अपनी अपने बारे में, मतलब उनके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। चोटमल गुरु जी से भी अनुरोध रहेगा, जो भी गुरु भाई जी अपनी राय देना चाहते हैं मनोज कुमार साहू जी को दे सकते हैं। राय को नहीं नहीं सुनिए, आप करो राय, ऐसा नहीं देंगे तो अपना ये टीके सिंह से फोन नंबर लीजिए, मेरा फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर एक ही है, उसे आप हिंदी में इंग्लिश में गुजराती में लिख दीजिए, आराम से, आराम से, आप अभी कुछ जल्दी नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में लिख सकते हैं। इसी मंच पे आप चलिए, कोई भी बात नहीं, इसी मंच पे आपको राय दी जा रही है, आप उसको बाद में देख लीजिएगा गुरु भाई जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आराम से आप भाई जी अपनी बात रखिए। अभी क्या है सुनिए दो मिनट, अभी क्या है आप लोग को जो देंगे वो अलग है, जल्दी दे देंगे, ये किसको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको नंबर दे दिया है अपना ग्रुप में, आपको दे दिए, उसी हिसाब से राय देंगे, आराम से हिंदी में इंग्लिश में गुजराती में लिख सकते हैं, तीन भाषा और ओडिया भाषा, मेरे को चार भाषा आता है, पढ़ना लिखना सब, और बोलने उसी चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आप बने रहिए, नहीं बने रहना, फिर भी जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है ना, जो रिकॉर्डिंग होगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं कि आपके बारे में क्या बोला गया है। ठीक
ठीक है आप मेरे को अभी व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मेरा थोड़ा काम है इसलिए मैं जी जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, सेपरेट भेज दूंगा, आप उसको बाद में देख लीजिएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत दीजिए, अभी आप अपना ग्रुप में मेरा नंबर भेज दीजिए सबको, जो जी जिसका कोई चिंता नहीं मैं डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ आपका आपका नंबर ग्रुप में मैं डाल दूंगा। डाल दीजिए, मनोज कुमार साहू लिख दीजिए, गुजरात जूनागढ़ लिख दीजिए सबको। जो आप कहाँ से बोल रहे हैं फिलहाल, अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुजरात जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है आप मालूम है? जी जी मालूम, सुना है, देखा तो नहीं, सुना है कि गुजरात में जूनागढ़ सोमनाथ का बीच में आता है जूनागढ़। अच्छी बात, जो गिरनार बोलते हैं ना गिरनार, जी जी वही है, उधर में रहता हूँ। अच्छी बात, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मेरे को थोड़ा पानी से ली प्रॉब्लम है, सब कुछ गुरु जी ठीक करते हैं। आप भी को ठीक कर, आपको भी ठीक करें गुरु भाई जी, बस आप लगे रहिए साधना में। और तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी पर कुछ भी होगा ना, मैं बोल देना मेरा बाप भी बोलेगा तू गुरुदेव को छोड़ दे, नहीं तो मैं बोलता हुए तेरा मोदी तू पूछे, मैं छोड़ूंगा नहीं जिंदगी भर, कितना कोशिश करे बताओ, ऐसा लगा पड़ेगा जी गुरुदेव जी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, आपके बारे में आपको राय दी जा रही है, आप उसको थोड़ा सुनिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, आपको मैं बाद में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। ठीक है ठीक है, मंच पे बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा गुरु भाई जी, आप उसको सुनिए। टोटबल जी गुरु भाई जी थोड़ा अपनी बात रखिए इनके बारे में। ठीक है, टोटबल जी गुरु भाई और भी कोई कोई गुरु भाई बहन अपनी राय रख सकते हैं। क्रांति गुरु बहन इनके बारे में मनोज कुमार जी को आप क्या कहना चाहेंगी? ये छोटे गुरु भाई, कोई और गुरु भाई अगर बोलना चाह रहे हैं तो आमंत्रित कर ले उनको। नहीं चौथमल जी गुरु भाई आप बोलिए, मेरे को तो इनकी आवाज बोली समझ में आई नहीं, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा। हाँ। मेरे को आप बोलिए चौथमल जी गुरु भाई। मुझे भी बहुत समझ में नहीं आया गुरुपाल जी, बस वो समस्या है, उनका कहना है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे परिवार में लोग करने नहीं दे रहे, उसको मान नहीं रहे, बोलते हैं कि मेरा मेरे परिवार में आप जब ठीक हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे। नहीं ऐसा नहीं, हाँ मेरा परिवार नहीं करते, मैं करता हूँ। जी जी वही 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 आपकी बात मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मतलब आप कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई नहीं करता, आपका परिवार कहता है आपसे कि जब आप ठीक हो जाएंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे। Yes. तो मैं अपने गुरु भाई बहनों से इसी पर कि मतलब इनको आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? मनोज गुरु भाई अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए, जो जीवन में अभय सिंह गुरु भाई बोलना चाह रहे हैं, अभय सिंह की इससे सुन रहे हैं अपन, अभय सिंह गुरु भाई कुछ कह रहे हैं। इन्होंने म्यूट कर दिया गुरु भाई जी, आप बोलिए, बुलाएंगे उनको भी। मनोज जी गुरु भाई मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ये जो आप एक तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली माने कि गुरुदेव ने आपको शरण में लिया है, और समय आने पर आपके परिवार के लोग भी निश्चित रूप से जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल समर्पित होंगे। जब तक आप स्वयं गुरुदेव से जुड़े रहेंगे, आपका समर्पण, आपकी जो स्थिति देखकर हमें लगता है कि आपको गुरुदेव ने पूरी तरह अपने अधीन अपने अंदर या अपने आशीर्वाद में ले रखा है, आप इतने करुण नहीं हो। गुरुदेव ये कहते हैं कि आप जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपका कोई कार्य या कोई आपका मन नहीं लगेगा, तो हम करुण केवल प्रार्थना गुरुदेव से करें, संसार के सामने न करें। विशेष एक स्पेशली तो मेरा सुझाव ये है आपको कि आप जितना भी करुण पुकार कर रहे हैं केवल गुरुदेव के सामने करें, हम परिवार घर समाज देश किसी के सामने हमको करने की जरूरत नहीं है।
एक पल नहीं लगेगा गुरु भाई, एक पल नहीं लगेगा, आपकी बात गुरुदेव सुनेंगे। और कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो गुरुदेव के आगे सरेंडर नहीं होगा। निश्चित रूप से गुरुदेव का काम यही है, गुरुदेव यही चाहते हैं कि इस तमस को मिटाना है और सत्व को जगाना है। तो आप बिल्कुल जितना गहन नाम जप करेंगे, गुरुदेव से जितनी बातें करेंगे उस फोटो से, आपको बहुत ज्यादा संबल मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। गुरु भाई आप किसी से न कहें कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव सब करवा लेंगे। आप तो अपने आप में कॉन्फिडेंट रह करके और नाम जप करें और खुश रहें, मुख्य बात ये खुश रहें। रोते हुए को रोता हुआ जो चेहरा है वो किसी को नहीं भाता है, गुरुदेव स्वयं नाराज होते हैं अगर हम रोते हैं तो। हमें केवल अंदर से झुकना है, अंदर से डिमांड करना है कि गुरुदेव मुझे अपनाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। और आंसू आ जाता है, क्या करे ऐसा हो जाता है। आप तो बोलते हो ना सही है, मगर अपना घर वाले जुड़े नहीं जुड़े उसका सबको बोलता हूँ तुम्हारा बर्थी तुम्हारा, मेरा कोई नहीं, मैं खाली बोल दिया या हमको क्या। मैं भी अभी बैठे बैठे मैसेंजर में फेसबुक में कितना बेहतर रहता हूँ, गुरुदेव का प्यार रुलाता है। बिल्कुल गुरु भाई आप समर्पित रहें गुरुदेव से और प्रार्थना करते रहें, मेरा यही कहना है आपसे। कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव आनंद करेंगे, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रांति गुरुबन जी आपका स्वागत है। हाँ जी, जोतमल गुरु भाई जी ने बहुत अच्छा बता दिया सारा जो बोला है, बहुत सही बताया इन्होंने। बस उसी को मैं कहती हूँ कि वो जो बोला है उसी को रिपीट करती हूँ एक तरह से। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव। गुरु अभय सिंह जी भाई, गुरु भाई जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? स्पीकर ऑन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी मको आज पीके सिंह जी मको अच्छे से समझा देंगे, मको गुरु भाई को आज असली गुरु भाई आज पीके सिंह जी से हुए मको लाइन पे, तो उनको थोड़ा सा बताने में अच्छा ही है, तो उनको तो भाषा भी कही आती है। मको आज ऐसे लोग तो अपने गुरु भाई काफी से समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे गुरु भाई को थोड़ा सा ये है कि विस्तार से समझाएं तो उनको थोड़ा समझ में बैठे हैं। और अपनी तो जो है भाषा कैच कर लेते हैं, वो बंगाल साइड से हैं वो बता रहे हैं, उड़ीसा से। हाँ वो उड़ीसा, वो तो आ गया वेस्ट बंगाल उड़ीसा, वो कोटक में है, बॉर्डर से टच करता है। मैं उधर गया हुआ हूँ, काफी बार गया हूँ उड़ीसा में, उधर बंगाल साइड दीघा में गया हूँ, कलकत्ता भी गया हूँ और खड़गपुर भी गया हूँ। मेरा घर क्या है, रायपुर से ना चौथी घर से 3-4 किलोमीटर दूर है, मेरे को बंगाल से नहीं है, छत्तीसगढ़ से टच है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। जी जी, वो बॉर्डर पे ही है उड़ीसा, और उसका जो है बॉर्डर लगता है बंगाल का उड़ीसा का, तो यही है। मको गुरुदेव जी मां आज मेरे को 2-3 दिन हो गए था, कुछ तो फोन में मिस्टेक चल रही थी आज मेरे भी, और 2 दिन से बातें नहीं हो पाई। हाँ वो क्या था ना कि ये हैंग हो जाता था फोन, और जैसे ऑन करता तो ये बंद हो जाता था अपने आप, तो फिर इसको ऑन करने में दिक्कत प्रॉब्लम रहती थी। फिर मैंने इसको सारे को रीसेट मारा, रीसेट मार के जो भी फंक्शन थे डाउनलोड किए अपने, जो भी है गुरु भाइयों के इनकी जो भी स्पीच वगैरह वो सब गुरुदेव की थी, सब मैंने फिर डाउनलोड किया। 2 दिन तो नेट उनमें ही खत्म हो गया मेरा। अच्छा अच्छा। फिर मीटिंग अटेंड करने के लिए नेट रहा ही नहीं। ठीक है, आपका बात करता हूँ, आपको जो भी तकलीफ है अब गुरु जी का बोलो, आपको तुरंत ठीक हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, गारंटी है, मेरा गारंटी। मनोज भाई साहब मैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं देखिए मैं हूँ 3 साल से बेड पे रेस्ट हूँ, मैं बेड रेस्ट पे हूँ मैं 3 ईयर से, एंड बिल्कुल पैरालाइज हूँ, मेरा शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है,
और जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में आपके सिवा कोई नहीं जुड़ रहा है गुरुदेव से, ऐसे मेरे साथ है, मेरी फैमिली में भी सिर्फ मैं सिंगल ही जुड़ा हुआ हूँ, और मैं मई जून से जुड़ा हूँ मैं भी गुरुदेव से, और मेरी मिसेज है। सुनिए, आपको क्या तकलीफ से पहले से हुआ है? मुझे मुझे तकलीफ, मेरी नसें ब्लॉकेज हो गई है सभी, जैसे गर्दन में मेरा भी यही है, मेरा को सिर में नसें ब्लॉक हो गया, फट गया। मैं बोला जो भी होने होने दो, मेरे को इतना बड़ा रिकवरी हुआ, आप भी डर नहीं, आस्ते हो जाएगा। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि गुरुदेव से जितनी प्रार्थना करेंगे, हमें रोने से कुछ नहीं मिलने का है। गुरुदेव खुद कहते हैं कि रोने से क्या है, गुरुदेव का जितना हम स्पीच सुनेंगे गुरुदेव की, और जो जितने गुरुदेव के स्पीच में प्रचार है और गुरु भाई हैं उनसे सुनेंगे, वो सब बताएंगे, हम अपनी मतलब रोने से किसी को शेयर करने से कोई हल नहीं होता है। अब जब सिर्फ आप ये अपने दिल में ये रखो, मैं और गुरुदेव, मेरे सिवा, मेरे और गुरुदेव के सिवा कोई नहीं है मेरी फैमिली में भी। सब कुछ बिलीव कर सकता हूँ, मगर आंसू आ जाते, क्या कर रहे गुरुदेव, इधर आंसू आ जाते हैं। मनोज जी मुझे भी आपकी तरह ही होता था, जैसे फर्स्ट में मुझे गुरुदेव से मैं जुड़ा, तो जुड़ने के बाद मुझे इतना लगा हुआ गुरुदेव से कि मतलब कि मैं रात को 3-3 बजे तक नहीं सोता था, रात को भी रोने लग जाता था और ध्यान के रूप में भी रोने लगता था। तो ऐसे वो जब गुरुदेव की लीला होती है ना, अपने आप वो अलग होती है, एक अपने आप से जैसे किसी गुरुदेव गुरु भाई से बात कर रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें हमें भी पता है कि गुरुदेव की जब इतना लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो आंसू आते हैं, पर उस चीज को हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है। गुरुदेव हमारे साथ हैं। मैं आप मेरा बाप से 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, अपना गुरु भाई बहन से 1-2 घंटा तक बात किया हूँ, आप मानो न मानो आपका ठीक है, मगर इतना बात करता हूँ और लक्ष्मी बोलते बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये है कि अब मैं खुद अकेला रहता हूँ, अकेले में ही मेरी मिसेज है, उनको बोलता हूँ, वो ध्यान नहीं करते, मेरा लड़का है वो नहीं करते, तो मुझे टेंशन नहीं है। मैंने गुरुदेव को बोल रखा है, गुरुदेव सिर्फ मैं मेरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं और किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, अगर वो चाहेंगे और आप चाहेंगे तो आप अपनी शरण में अपना आप लोगे, मुझे कोई उनसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, वो जुड़े आपसे या ना जुड़े मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप अपने ऊपर लीजिए, आप जाने, आपका काम जाने, आप जोड़ना चाहते हैं उनको या नहीं जोड़ना चाहते, आप अपनी शरण में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ मेरी टेंशन रखता हूँ, दूसरे की नहीं रखता हूँ। आपका मर्जी, वो लोग भी कितना समझाता है, और तो समझते हैं उनका कर्म, नहीं जितना आप समझाओगे उतना ही उनका दिमाग वो होता जाएगा, फील होगी दिमाग के अंदर। तो किसी को कोई भी हो, अगर आप जैसे आप किसी से जुड़े, किसी के थ्रू, किसी गुरु भाई के थ्रू, तो उन्होंने आपको एक बार में बताया तो आपके समझ में आ गया, आप जुड़ गए, आपको अच्छा लगा, आप कर रहे हैं, और आपको बार बार कहता रहा, आपको नहीं जुड़ना पाते तो आप उनको कुछ बोलते कि भाई मुझे क्यों बोल रहे, मुझे क्यों दबाव दे रहे हो ऐसा, तो उसको भी थोड़ा वो लगता है, आपको भी वो। तो ऐसे में चाहे घर परिवार से हो, चाहे बाहर से हो, कोई और भी गुरु भाई है, कोई किसी को बताए तो भी उसको एक बार बता दो, अगर उसकी खुशी है तो ठीक है, अगर गुरुदेव का से आदेश होगा, गुरुदेव की कृपा होगी, तो गुरुदेव अपने आप उनको बुला लेंगे अपनी शरण में, हमारे जोर जबरदस्ती करने से वो नहीं आएंगे और न ही कुछ करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि आप घर परिवार में भी क्या है, आप सुनिए, किसी को भी जबरदस्ती पकड़ करना स्प्रिंग तरह होगा, जब वो उछलेगा ना पूरा उछल जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ आराम से पकड़ो, आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, मेरे को भी मेरे विशेष बोल देती है कभी कभी, गुरुदेव के बारे में बोल देती है, तो मुझे गुस्सा आता है कि तो मैं बोल देता हूँ तुझे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी मत करो, मुझे मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं जानू, मेरा काम जाने, मेरे बीच में, मेरे गुरुदेव के बीच में तुझे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुझे करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप अपनी मस्ती मस्त रहिए, मैं अपनी मस्ती, मैं पूरे दिन भर अपने गुरु जी की मस्ती में रहता हूँ।
मैं इतना राज्य हूँ छोड़ के चला जाओ, मुझे को छोड़ के चला जाओ, इतना बोल दिया मैं। मतलब नहीं, नहीं, छोड़ के जाने से क्या फायदा होगा? वो लोग को बोलना पड़ता है ना, गुस्सा करना पड़ता है, गुस्सा दिखना पड़ता है ऊपर ऊपर, अंदर तो रखना पड़ता है। इसीलिए नहीं, नहीं आप उनको जो है, बच्चे हैं आपके, उनको बार बार जो है ना वो मतलब वो मत कीजिए बीच में उनको। अगर गुरुदेव, जब आप अपने खुद अपने आप सही हो जाएंगे गुरुदेव से पूरे, जब गुरुदेव की शरण में पूरे हो जाएंगे तो गुरुदेव अपने आप उनको बुला लेंगे। आपको कहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि आप गुरुदेव से जुड़ो, आप ये करो, नहीं आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक गुरुदेव से जुड़ जाएंगे। गुरुदेव अपने आप उनको अपने शरण में ले लेंगे, फिर वही आपकी तरह। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 4 दिन के बाद आप कहोगे लाइन में लगूंगा, 4 दिन तक नंबर नहीं आएगा, बोलेंगे पापा जी हमारा नंबर नहीं आ रही, तो वो खुद वही बात कहेंगे अपने आप, आपको कहने की जरूरत नहीं। आपने बोल दिया, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, 5 बार बोल दिया, बस अब वो गुरुदेव की जो है ना जो ड्यूटी है, अब गुरुदेव जाने वो जाने, गुरुदेव उनको कब अपनी शरण में लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो आप गुरुदेव के ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने मस्ती में मस्त रहे, गुरुदेव का तरफ ध्यान दीजिए, दोनों टाइम सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान कीजिए, और दिन भर जो है गुरुदेव का नाम जप चलता रहिए, और ये चलने दीजिए। और फ्री टाइम में वैसे भी हैं, रहते हो कैसे भी, तो गुरुदेव की स्पीच है, स्पीच चला लीजिए और स्पीच सुनिए आराम से, रात में भी दिन में भी चलते रहे, सुनते रहो। मैं तो पूरी पूरी रात गुरुदेव की स्पीच चलता चला के सोता हूँ, कभी रात को 2 बज जाते हैं सोने में, कभी 3 बज जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी दिन निकल आता है, पूरी रात स्पीच चलती है, तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं अपनी मस्ती मस्त रहता हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, बच्चों को किसी को भी, कोई छोड़ो मुझे गुरुदेव से लगाव, मैं गुरुदेव की स्पीच चला के सुनता रहता हूँ मस्ती मस्त, किसी को कुछ नहीं बोलता मैं, और जब गुरुदेव की कृपा होगी मुझे अपना कर देंगे। स्पीच में लगाता हूँ ना, अभी 8-10 दिन का बात है, गुरुदेव का MP4 लगाया, मेरे को कम ध्यान लग गया मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ा मेरे को ध्यान लग गया था इतना, नहीं तो मैं गुरुदेव का MP3 करके लगा के सो जाता हूँ 10-15 मिनट। अभी एक हफ्ता पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं दिन में गुरुदेव की स्पीच सुन रहा था, तो बॉडी से जो बोलते ना अपनी आत्मा निकल के जाती है, ऐसे मेरे साथ 2-3 घंटे चला था गुरुदेव से, मैं रोया भी था 1 घंटे, कितने घंटे मुझे पता नहीं, 1 घंटे तो आत्मा मेरी निकल के गई और मुझे पता नहीं कब आई कब नहीं आई। गुरुदेव मेरे बगल में बैठे रहे, उन्होंने जो है मैंने प्रार्थना की उनसे, मतलब जो भी बातें हुई, और कम से कम 2-3 घंटे तक मेरे साथ चली थी ऐसे। तो गुरुदेव की जब कृपा होती है सब वो अपने आप करते हैं, योगी क्रिया करवानी, ध्यान लगाना कब क्या करना है, तो जैसे गुरुदेव से आप जितना लगाव करेंगे, जितने गुरुदेव के उसमें जाएंगे, जितना अंदर गुरुदेव से करेंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है। और जो है ना गुरुदेव से जितना प्यार करेंगे, जितने गुरुदेव की शरण में जितना वो करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, उतना ही हमें ज्यादा फायदा होगा, और जितना वो ज्यादा गुरुदेव से हमें लगाव होगा। तो मेरा ये क्रांति बान गुरबान भी कुछ करना चाहती हैं इस विषय में। गुरबान जी, आपका स्वागत है। जी, मैं अभय सिंह जी से बोल रही हूँ कि जैसे अभय सिंह जी अपनी बात को ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो अभय सिंह जी आप गुरुदेव से जुड़े और गुरुदेव से अगर नहीं जुड़े होते, इनमें आप थोड़ा डिफरेंस बताइए, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप ढंग से एक्सप्रेस करो अपनी बात को। सपोज आप गुरुदेव से नहीं जुड़ते और अब गुरुदेव जुड़े हैं आप, तो आपको मतलब क्या क्या मतलब चेंजेस लग रहे हैं आपने? देखो मैडम जी, गुरुदेव से तो मतलब अपने तो जो है रामलाल सियाग जी गुरुदेव जी हैं, इनसे मैं मई जून में जुड़ा हूँ। एक बात है, आप किसको मैडम या सर मत बोलो, आप करे गुरु बहन गुरु भाई बोलो, मैडम सर बोलने से आपको भाई उनको क्या लगेगा, अहंकार आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, थैंक यू गुरु भाई, थैंक यू। तो ऐसे था गुरु बहन, जो है ना मैं गुरुदेव से मई जून में जुड़ा हूँ, तो उससे पहले मतलब कि क्या था कि इस चीज में आध्यात्मिक के भाव से या वैसे भी मतलब मैं मेरा शुरू से लगाव रहता था, जैसे चाहे मतलब अपने पहले उससे फर्स्ट से तो मैं खाटू श्याम जी थे अपने, उनसे जुड़ा था मैं 2004 से, समझो 2004 के बाद में, उसके बाद में फिर मैंने जो अपने जय गुरुदेव थे मथुरा वाले, इनसे जुड़ा था,
वो भी शरीर छोड़ने के बाद ही उनसे जुड़ा था, मैं 2-3 साल जुड़ा रहा, तो मतलब वो भी कोई ये नहीं कि भाई ठीक है उनसे कुछ प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, जो भी बातें उन्होंने बताई हमें हित के लिए, हमें अच्छाई के लिए बताई और हमें फायदा हुआ नहीं हुआ वो तो देखो अपने अपनी वो है। पर उसके बाद में जो है मैं 3-4 साल तक जो है और पहले मतलब जुड़ा रहा था, उसके बाद फिर मैं जो है ये अपना क्या बोलते मेरे को 3 साल से जो है ना पैरालाइज हो गया, गिर गया था मैं छत पर से, और गिरने के बाद में फिर मेरा जो लड़का है वो स्कूल में जाता है उसके टीचर हैं, उन्होंने मेरे लड़के को गुरुदेव का कार्ड दिया था, आज से 2 साल पहले की बात है ये, तो मेरे लड़के ने मेरे को लाके दिया गुरुदेव का कार्ड कि पापा जी ये कार्ड है, गुरुदेव का ध्यान कीजिए सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस टाइम मेरा थोड़ा माइंड भी काम नहीं करता था, क्योंकि मतलब कि एक्चुअली कि हर बॉडी की पूरी नसें ब्लॉकेज हो गई थी, दिमाग भी कम काम करता था काफी, मतलब 3 महीने तक तो मेरे नलकी सड़ी हुई थी, नाक में खाना पानी दवा पानी सब नलकी से जाता था, तो मुझे पता नहीं होता था। आप जो बोल रहे हैं ना, मैं तो ये कहां से सुना मालूम नहीं है, आपका स्टोरी में सुना हुआ हूँ पहले से, इतना दिन पहले मालूम नहीं है, मैं सुना हुआ हूँ आपका लड़का आपको दिया। जी जी, तो उसमें क्या है कि फिर मैं जो है गुरुदेव से अभी मई जून से जो गुरुदेव के जुड़ने के लिए मेरा जो लड़का है उसके टीचर है वो खुद घर पे आ गए थे, खुद घर पे आए थे और आने के लिए बच्चों के लिए आए थे, कैसे क्या आए थे मुझे पता नहीं, फिर वो मेरे पास बैठे, उन्होंने मेरे से बात की, बात करने के बाद में मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा कैसे क्या हुआ क्या नहीं, तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने फिर मुझे गुरुदेव के बारे में बताया कि देखो हमारे गुरुदेव है ये ऐसे, वो बोले ये तो 2 साल पहले मेरा लड़का कार्ड लेके आया था और मेरे को बताया था, बट उस टाइम मैं कुछ पता किया नहीं, मैंने मना कर दिया बोल दिया था, तो बोला कि अब आप करके देखिए, तो मैं बोला ठीक है मेरे जितना होता मैं उतना कर लेता हूँ, आप कहोगे भाई वहां जाना मंदिर जाना वो करना वो करना वो सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं करोट भी नहीं ले सकता, उठ बैठ नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेटे लेटे कर सकते हो। उन्होंने उसी टाइम ध्यान कराया, उसी टाइम ध्यान कराया मेरा, तो मेरा ध्यान भी लग गया उसी टाइम में, और 15 मिनट ध्यान कराया उन्होंने, 15 मिनट की योग क्रियाएं हुई अच्छी जी, उसी दिन से फिर मैंने गुरु जी को जो है ना समर्पण कर दिया, गुरुदेव आज से मैं आपको अपना गुरु सम्मानित मानता हूँ, आप जाने आपका काम जाने, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आपको कैसे क्या करना क्या नहीं करना अब आप जाने। तो उस दिन के बाद में अब मतलब शरीर की कंडीशन तो बहुत ज्यादा ही खराब थी, जब शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था तो आप समझो कि क्या हालत हो सकती है, मतलब एक तरह से मुर्दा ही समझो आदमी को, वो मुर्दे के बराबर ही होता है। तो उसके बाद में जो है 5-6 महीने से आपको आप ओ, जो चला गया उसको डिस्कस मत कीजिए, मेरा हिसाब से वो आपको दुख पहुंचाएगा, जो हो गया हो गया, जो होने वाला होगा, अभी आप प्रेजेंट में रहिए, आपको ठीक है आप उनको बोल दीजिए, मगर फिर से उसका किसको मत पूछिए, ओके आपने को अंदर से फीलिंग होता है आपको समर्पण कर दिया अर्पित कर दिया आपने गुरुदेव से, तो अब गुरुदेव जाने हमारी वो कहते ना हमारी कोई जिम्मेदारी, अब गुरुदेव की ड्यूटी है, गुरुदेव जाने अब वो उनका काम है, उनको क्या करना क्या नहीं करना हमें कुछ नहीं पता, हमें वो जिंदा रखे या हमें कुछ कैसे भी रखे, जैसे चलाए जैसे उठाए जैसे बिठाए जैसे, उनकी मर्जी है, अब वो जाने, हमारी ड्यूटी खत्म, अब उनकी ड्यूटी है, वो अब हमें कब उठाते हैं कब चलाते हैं कब क्या करते हैं हमें कुछ नहीं पता ना हम जानते, तो उसी की ड्यूटी अब गुरुदेव की ड्यूटी है, तो गुरुदेव जाने उनका काम जाने, हमने अपना जो है शरीर गुरुदेव को चरणों में अर्पित कर दिया है, अब गुरुदेव जाने, तो हम अब फ्री हो गए गुरुदेव की तरफ से, हम फ्री है, अब ड्यूटी गुरुदेव की, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कैसे चलाते हैं कैसे क्या, ठीक है। और इस सेशन का भी समय हो गया है, तो मैं दो मिनट में मैडम जी को थोड़ा बता देता हूँ, 2 मिनट कर ली, तो उसी वजह से फिर जो है ना वो जो है अपने लड़का है उसका जो है गुरु जी है टीचर थे वो आए थे, उन्होंने ध्यान करा हुआ, उस दिन से मैं लगातार कर रहा हूँ, बट ये है मुझे 10-15% फर्क है कुछ, क्योंकि पहले तो अंदर से रिकवरी होगी बॉडी की, उसके बाद बाहर से होगी,
तो अंदर से कुछ हो रहा है, कुछ बाहर से भी हो रहा है, तो मुझे पता है, महसूस हो रहा है। गुरुदेव ने जैसे करवाई, कुछ बाहर जैसे अपने क्या बोलते हैं यूरोबैग भी लगा है, पेशाब की नलकी है, तो उसके जो पेशाब लग जाए तो मुझे पता चल जाता है कि जो है खून की वो गिट्टी से आती है अंदर से। तो गुरुदेव जैसे कर रहे हैं, जैसे रिकवरी हो रहा है शरीर में अंदर से, तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क है। पर ये थोड़ा टाइम लगेगा, अब जो गुरुदेव की शरण में आए हैं तो अब उनकी ड्यूटी है मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक होगा गुरु भाई जी। वो आने वाला समय आप भी बोलेंगे, आप चलेंगे उठ करके आने वाले समय में। वही है बस, अब उनकी मर्जी, अब वो चलाएंगे कैसे चलाए कैसे नहीं चलाए। बिल्कुल चलाएंगे। तो उन्होंने ग्रुप में नाम लिख के आप मेरा नंबर दे दीजिए, जो आपने मैं डाल देता हूं। कितना चाहते हैं दे दीजिए, कोई ये नहीं। आप लोग दीजिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरे को, आप लोग आराम से लिख के हिंदी में इंग्लिश में चलेगा, नहीं तो वॉइस मैसेज भी छोड़ दीजिए। ओके थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज का सेशन में अपने हिंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि गुरुदेव चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।